एपिसोड 359, अनन्या का डर। तीन बार रंगीन चावलों पर बंजारन का चिन्ह बनाने के बाद जब अनन्या की चीख बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो तड़प रही है, उसके शरीर का कोई अंग उससे अलग हो रहा है, और ये देखकर ध्रुव को एक संतुष्टि हो रही थी कि इस दर्द से अनन्या जल्द ही आजाद हो जाएगी और उसके भीतर से बंजारन हमेशा के लिए निकल जाएगी और एक बार फिर अनन्या पहले वाली अनन्या बनकर लौटेगी। लेकिन तारा से अनन्या की तड़प नहीं देखी जा रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं इस तरह से अनन्या की जान चली जाए। तारा का मन हुआ कि वो ध्रुव को रोके और वो कुछ बोलने भी लगी कि ध्रुव ने अपने हाथों के इशारे से उसे चुप रहने के लिए कह दिया और तारा बेबसी से चुप रह गई। मन में बोली, अगर तुमने पहले ही सब कुछ सच बताया होता अनन्या, पाली में जब से तुम सब कुछ जान रही थी, मैंने तुमसे कई बार पूछा था, तब बताया होता तो ऐसी कुछ नौबत ही नहीं आती। इतने दर्द से जो तुम गुजर रही हो, शायद इतना कुछ होता ही नहीं। और फिर तुरंत ही अपने आप से बोली, ये तुम क्या सोच रही हो तारा, अगर अनन्या मुसीबत में नहीं आती तो चीजें यहाँ तक नहीं पहुंचती, और फिर कभी नहीं पता चलता कि ध्रुव कौन है, और बंजारन और इन काली शक्तियों का खात्मा कभी संभव नहीं हो पाता। बस पॉजिटिव सोचो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ देर बाद अनन्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना कहकर तारा ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया, क्योंकि उसे अनन्या की तड़प नहीं देखी जा रही थी। एक एक करके पांच बार वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और पांचवी बार चिन्ह बनाने की प्रक्रिया पूरी होते ही ध्रुव ने पांच बार पंचभूतों को साक्षी मानते हुए अग्नि में आहुति दी, और जैसे ही आहुति पूरी हुई, अग्नि में अलग अलग रंग की तरंगे उठने लगी और उसके साथ साथ अनन्या के शरीर से भी कुछ रोशनी निकलती हुई दिख रही थी। और जैसे जैसे प्रक्रिया पूरी हो रही थी, अनन्या की छटपटाहट पहले से ज्यादा होते जा रही थी। ध्रुव अपनी जगह से उठा और वो उस पूरी गुफा के इर्द गिर्द एक कवच बनाने लगा और साथ ही साथ मंत्र भी बोलने लगा। कवच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ध्रुव ने तारा को अपने पास बुलाया और उसके हाथों पर मौली का एक धागा बांधकर बोला, तारा दीवार की तरफ अपना सर करके अपने कानों को बंद करके खड़ी हो जाओ। तारा ने पूछा, क्यों, ऐसा करने की क्या जरूरत है, मैं ठीक हूँ। और ध्रुव बोला, ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, अब बहुत कुछ हो सकता है और बहुत सी ऐसी आवाजें और ऐसी मायावी चीजें यहाँ हो सकती हैं जो देखकर शायद तुम्हारा मन विचलित हो जाए, और इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी आंखें बंद करके दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाओ। चाहे उसे कुछ भी महसूस हो तो कोई प्रतिक्रिया मत देना और भरोसा रखो कि सब ठीक है। ध्रुव ने जैसा कहा था तारा ने ठीक वैसा ही किया और वो जाकर चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। उसके बाद ध्रुव वापस आया और चंदन की कील लेकर जैसे ही अनन्या की तरफ बढ़ा, अनन्या ध्रुव से बोली, ये बेवकूफी मत करना, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, अभी भी वक्त है, भूलो मत पिछली बार भी जब तुम मुझे काबू में करने आए थे तब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और उसकी इस बात को सुनकर ध्रुव ने अपने मंत्रों को नहीं रोका, बल्कि उसके होंठ लगातार मंत्रों का उच्चारण कर ही रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे जैसे ध्रुव अनन्या के नजदीक जा रहा था, अनन्या अपने आपे से बाहर आकर उग्र रूप धारण कर रही थी। और जैसे ही ध्रुव उसके पास बैठा और उसने उसकी कलाई पकड़ी, अनन्या ने ध्रुव को जोर से धक्का दिया और ध्रुव जरा सा डगमगाया, लेकिन वो अपनी जगह से हिला नहीं। अनन्या ने जब देखा कि उसकी इतनी जोर से वार का भी कोई असर ध्रुव पर नहीं हुआ है, तो वो बौखलाती हुई बोली, एक बार मुझे खोल कर देखो देवदत्त, तुम्हारा ये घमंड चूर चूर ना कर दिया तो कहना, और भूलना मत कि ये पाली नहीं है कि तुम मुझे काबू में कर लोगे, ये मेरा गढ़ है, तुम मेरे घर में आकर मुझे नहीं हरा सकते, समझे तुम, इसे अंत मत समझना, ये एक शुरुआत है देवदत्त, खेल तो अब शुरू होगा, और इस बार ये खेल तुम्हारी मौत और मेरी कैद पर खत्म नहीं होगा, इस बार सब कुछ तबाह होगा, हमें वो मिलेगा जो हमें चाहिए। लेकिन उसकी किसी भी बात का असर ध्रुव के ऊपर नहीं हो रहा था, और अचानक से बंजारन का सुर बदल गया और अनन्या रोती हुई ध्रुव से रिक्वेस्ट करने लगी, ध्रुव ध्रुव ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपनी अनन्या को इतनी तकलीफ नहीं दे सकते, तारा तारा तुम इसे समझाओ ना, तुम लोग तो मेरे दोस्त हो ना, तुम उस तरफ क्यों मुंह करके खड़ी हो गई हो, प्लीज यहाँ आओ और मेरी मदद करो। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि तारा ने अपने कान को दोनों हाथों से बंद कर रखा था, फिर भी तारा को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बेचैन हो रही है। तारा का दिल कर रहा था कि वो जाए और ध्रुव को अनन्या के पास से हटा दे, और फिर तारा ने अपने मन में सोचा
नहीं तारा, यही उसकी माया है, इसीलिए ध्रुव ने तुम्हें इस तरफ घूमकर खड़े रहने के लिए कहा था। वो तुम्हें छलने की कोशिश कर रही है, वो तुम्हारे जरिए ये सब कुछ रोकना चाहती है, तुम उसका मोहरा नहीं बन सकती। ये सोचती हुई तारा ने अपने मन को और मजबूत किया और अपने कान और कसकर बंद कर लिए ताकि उसके कान में अनन्या की आवाज ही ना जाए। ध्रुव अपने मंत्र को बिना रुके बोलता जा रहा था और अनन्या की कलाई को कसकर पकड़े हुए था। भंवरी देवी ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, महागुरु जल्दी कीजिए, ये बेकाबू हो रही है। कुछ ही देर में जैसे ही ध्रुव का मंत्र खत्म हुआ, ध्रुव ने अनन्या की उंगली में वो चंदन की कील चुभा दी, जिससे उसके खून की कुछ बूंदे तुरंत छलक आई और उसके साथ ही भंवरी देवी ने अपने हाथ को आगे कर दिया। उसने उनकी उंगलियों से भी उस कील को चुभाकर उनके खून की कुछ बूंदे ली और अनन्या के खून के साथ मिलाकर ताम्रपत्र के ऊपर बंजारन के उस चिन्ह को बनाने लगा। और जैसे ही वो चिन्ह पूरा हुआ, इससे पहले कि ध्रुव उस चिन्ह को भंवरी देवी के शरीर पर उकेर पाता, अनन्या के शरीर में लिपटा हुआ वो चंदन की रस्सी टूट गई और अनन्या एकदम से आजाद हो गई। उसने ध्रुव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि अनन्या ध्रुव पर हमला कर पाती, पीछे से तारा ने उसे पकड़ लिया। तारा के संभाल में वो नहीं थी, तारा को तो उसने ऐसे उठाकर एक तरफ उछाल दिया जैसे तारा कोई मामूली खिलौना हो। तारा फिर हिम्मत करके आई और उसने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया। अनन्या जमीन पर गिर गई। जैसे ही अनन्या जमीन पर गिरी, तारा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव जल्दी करो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगी। ध्रुव ने बड़ी फुर्ती से चिन्ह को भंवरी देवी के बाजू पर लगा दिया और भंवरी देवी और ध्रुव दोनों एक साथ वशीकरण मंत्र उच्चारण करने लगे। जैसे जैसे ये मंत्र का उच्चारण हो रहा था, वैसे वैसे अनन्या का शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था और धीरे धीरे करके वो निढाल हो चुकी थी। वशीकरण मंत्र के संपन्न होते ही ध्रुव ने उस ताम्रपत्र को हटाया तो वहां खून से छपा हुआ वो चिन्ह गायब था, लेकिन भंवरी देवी को अचानक ही अपने भीतर कुछ होता हुआ महसूस होने लगा था। भंवरी देवी का पूरा शरीर जैसे अकड़ने लगा था और उनके शरीर पर जहां तहां काले धब्बे नजर आने लगे थे। ये देखते ही ध्रुव ने तारा से कहा, तारा अनन्या को छोड़ दो, अब वो ठीक है, वो कुछ नहीं करेगी। देखो यहाँ कहीं चंदन का लेप होगा, उसे भंवरी देवी के पूरे शरीर पर लगाओ जल्दी। धीरे धीरे भंवरी देवी की छटपटाहट बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उनके पूरे शरीर में जलन हो रही है। तारा ने बड़ी फुर्ती से उस चंदन के लेप वाली कटोरी को निकाला और भंवरी देवी के शरीर पर लगाने लगी। धीरे धीरे करके भंवरी देवी को आराम मिलने लगा और जब उनकी जलन कुछ कम हुई तब ध्रुव ने पूछा, आप ठीक हैं? भंवरी देवी बोली, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करिए, आप लोग अनन्या को देखिए, क्या वो ठीक है। ध्रुव ने तारा को कहा कि वो भंवरी देवी को संभाले और खुद अनन्या को देखने लगा। अनन्या बिल्कुल निढाल थी, जैसे उसके शरीर में कहीं जान ना हो। उसकी बॉडी पर जहां तहां खरोंच के निशान थे, जो तब लगे थे जब अनन्या अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और बेकाबू हो रही थी। ध्रुव ने कटोरे का बचा हुआ चंदन का लेप लिया और जहां जहां अनन्या को जख्म लगा था वहां वहां लगाने लगा और फिर उसने अनन्या को उठाया और एक किनारे पर उसे लिटाता हुआ तारा को बोला, तारा देखो इसके शरीर पर अभी वो चिन्ह है या नहीं। तब तक भंवरी देवी को अच्छा महसूस हो रहा था और तारा ने तुरंत जाकर अनन्या के कुर्ते को ऊपर किया और उसकी नाभि के हिस्से में देखने लगी और देखकर तारा की आंखों में खुशी की चमक साफ पता चल रही थी। तारा एक्साइटेड होते हुए बोली, ध्रुव वो चिन्ह अब अनन्या के शरीर पर नहीं है, वो गायब हो चुका है। और ये सुनकर ध्रुव ने राहत की सांस ली और भंवरी देवी से बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुव अभी भंवरी देवी से बात कर ही रहा था कि उसके देखते ही देखते भंवरी देवी की गर्दन पर बंजारन का चिन्ह उभरने लगा और अब ये पक्का हो गया था कि बंजारन का अंश अनन्या से भंवरी देवी में पूरी तरीके से स्थानांतरण हो चुका है। और ध्रुव ने भंवरी देवी को आगाह किया कि अगर उन्हें कभी भी किसी तरीके की कोई भी ऐसी चीज महसूस हो जो असामान्य है तो तुरंत वो ध्रुव से बात करें, क्योंकि भंवरी देवी बेशक सक्षम है बंजारन के अंश को अपने भीतर धारण करने में, लेकिन बंजारन एक ऐसी उग्र और नकारात्मक ऊर्जा है जो कभी भी उन पर हावी हो सकती है एक जरा सी चूक होने से। और भंवरी देवी ने ध्रुव को यकीन दिलाया कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगी कि ऐसी कोई गलती उनके द्वारा ना हो जिससे कि बंजारन के अंश को उन पर हावी होने का एक भी अवसर मिले। और उसके बाद भंवरी देवी ने कहा, अब वक्त आ गया है मेरे जाने का। ध्रुव चाहता था भंवरी देवी कुछ वक्त यहाँ रहे, वो ये निश्चय कर लेना चाहता था कि वाकई में सब ठीक है, लेकिन भंवरी देवी ने कहा, मेरा और यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर माई को आभास हो गया कि अनन्या से भंवरी देवी ने बंजारन के अंश को ले लिया है तो हो सकता है माई कोई नई साजिश करने लगे। इससे अच्छा यही है
कि समय रहते मैं यहाँ से चली जाऊं। और साथ ही साथ भंवरी देवी ने ध्रुव को इस बात का भी यकीन दिलाया कि हमेशा की तरह भविष्य में भी कभी भी ध्रुव को उनकी जरूरत महसूस हुई तो अपने आप ध्रुव से मिलेंगी। तारा ने भी भंवरी देवी को प्रणाम किया और फिर ध्रुव से बोली, ध्रुव अब हमें भी चलना चाहिए अनन्या को लेकर। लेकिन ध्रुव ने कहा, जब तक अनन्या को होश नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तारा को इस बात की चिंता थी कि जाने हवेली में क्या हुआ होगा, अनन्या को ना पाकर माई ने क्या किया होगा और विक्की ने कैसे संभाला होगा सारी चीजों को। ध्रुव तारा की परेशानी समझ रहा था। उसने तारा से कहा, तुम टेंशन मत लो, एक बार अनन्या को होश आ गया फिर तो सब ठीक हो जाएगा। तारा बोली, लेकिन हम क्या जवाब देंगे, हम कहाँ थे? ध्रुव ने कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। हम जब निकले थे तब किसी ने हमें नहीं देखा था। और रही बात अनन्या की, माई अगर ये जानने की कोशिश करेगी कि अनन्या कहाँ थी तो मुझे लगता है अनन्या खुद उनके सवालों का जवाब दे सकती है। और तारा बोली, नहीं मैं बोल दूंगी कि अनन्या मेरे रूम में थी और मैं और अनन्या साथ में सो रहे थे। लेकिन ध्रुव, अगर अनन्या को ना पाकर माई ने सबसे पूछा और सबको जगा दिया तो घर में सब जाग जाएंगे, तो जाहिर बात है मैं और तुम भी तो वहां होने चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया होगा तो कि हम वहां नहीं है। तारा तुम बेमतलब में चिंता कर रही हो। तभी उन्हें अनन्या के खांसने की आवाज सुनाई दी और दोनों का ध्यान अनन्या की तरफ गया। ध्रुव ने कहा, तारा जल्दी से इसे पानी पिलाओ, उसका गला सूख रहा होगा। तारा तुरंत पानी लेकर आई और तब तक ध्रुव ने अनन्या को सहारा देकर बिठाया और तारा ने अनन्या को पानी भी पिलाया और पानी के कुछ छींटे भी उसके चेहरे पर दिए, जिससे अनन्या की आंखें पूरी तरीके से खुल गई थी। और अनन्या ने अपने सिर को थामते हुए कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं यहाँ ऐसे? और फिर बोली, हाँ मैं तो तुम्हारे पीछे आई थी, उसके बाद क्या हुआ था? और ध्रुव ने अनन्या के बालों को संभालते हुए कहा, सब ठीक हो गया है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो और हमारे साथ हो। और अनन्या हैरानी से बोली, तुम्हारा मतलब है कि वो चली गई? और ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वो चली गई और तुम ठीक हो। और अनन्या बोली, लेकिन कैसे? मेरा मतलब है उसे मुझसे दूर करने का जो तरीका था वो तो बहुत मुश्किल था। और ध्रुव ने कहा, तुम ये सब मत सोचो, सबसे जरूरी है तुम ठीक हो और हमारे लिए भी यही जरूरी है। ध्रुव की बात सुनते ही अनन्या ने जोर से ध्रुव को गले लगा लिया, उसकी आंखें छलक गई थी। ध्रुव भी अनन्या की पीठ को सहलाते हुए बोला, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ तुम्हें बिल्कुल सही सलामत देखकर, और तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे भी मैं जल्द सही कर दूंगा। और ध्रुव की बात पर अनन्या की आंखों में परेशानी साफ दिख रही थी। अनन्या अपने मन में बोली, तुम सब सही तो कर दोगे ध्रुव, लेकिन तुम जिनके खिलाफ ये जंग लड़ने वाले हो मैं भी कहीं ना कहीं उन्हीं का हिस्सा हूँ, और ये सच पता नहीं मैं तुम्हें बता पाऊंगी या नहीं।